हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे। हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. हिंदी में देखिए, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। नंबर 2, बाय नाउ यू नो दैट व्हेन अ क्वेश्चन इज गिवन, यू नो हाउ टू राइट द गिवन, यू नो हाउ टू राइट द टू प्रूव या टू फाइंड, जो भी है आप लिखना ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पर, मैंने सिर्फ यहाँ पर गिवन टू फाइंड लिखा हुआ है, यानी कि दिया है और ज्ञात करना है, ये दोनों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। हियर व्हाट ऑल इज गिवन, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। AB and CD is intersecting at O. Angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. Angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. Or angle BOD, angle BOD, yani ki this angle is equal to 40 degree. ये सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, उसमें भी दो है, पहला है एंगल BOE और दूसरा है रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती एंगल COE। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है BOE। यहां पर एक रिलेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलो पहले हम लिख लेते हैं इसे, AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। This is given to you already. अब यहां पे अगर हम देखें, हमें find out करना है BOE। अगर आपको AOC कैसे भी मिल जाता है, तब आपको BOE आराम से मिल गया, है ना? हम डायग्राम में देखते हैं, क्या AOC हम ज्ञात कर सकते हैं? हमें पता है कि these two lines are intersecting each other, which means the vertically opposite angles are equal. Angle BOD is 40 degree, यानी AOC is also 40 degree, right? So we'll write that also. Also, angle BOD is equal to angle AOC is equal to kitna degree? 40 degree. Aur iska reason kya hai? Vertically opposite angles. This is the reason, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। अब बस हम ये वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो वील हैव AOC की जगह पर आप लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, इम्प्लाइज एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। 40 डिग्री कम्स हियर, इट बिकम्स माइनस 40 डिग्री, देयरफॉर यू गेट एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल COE। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स माने, नाउ दिस इज योर COE, रिफ्लेक्स माने इस एंगल को छोड़कर बाकी यहां से लेकर यहां तक पूरा एंगल, दिस इज योर रिफ्लेक्स। अब यहां पर आई लाइक टू टेल यू टू मेथड्स टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ COE। ठीक है, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में देखिए, अब क्योंकि हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं ये सभी एंगल्स को जोड़ सकती हूँ, है ना? यहाँ पे आप देखिए, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल एंड फोर एंगल। इफ यू ऐड ऑल द फोर एंगल्स, यू विल गेट द रिफ्लेक्स। व्हाई शुड आई ऐड फोर एंगल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट ये पूरा आपका क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? ये आपको पता है 40 डिग्री, ये भी आपको यहां पर मिल चुका है। तो बस आप क्या करेंगे, यहां पर पहला मेथड में रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, हम क्या क्या जोड़ेंगे, पहला ये एंगल, एंगल AOC प्लस ये जो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल AOB,
एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई. बी ओ ई इज इक्वल टू, अब हाउ मच इज AOC? AOC इज इक्वल टू, हियर इट्स गिवन ना 40 डिग्री. दिस इज योर 40 डिग्री प्लस दिस इज योर स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंड BOE आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव रिटन इट सेपरेटली चिल्ड्रन. एक्चुअली AOC प्लस BOE यू ऑलरेडी नो इट इज गिवन एज 70 डिग्री. आप एक साथ भी लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू, व्हाट वुड बी द आंसर? 250 degree. This is your reflex COE. This is one method. Now second method mein, how can you, first of all, reflex means you know that the remaining part of the particular angle. ठीक है? If I find this angle, if you know the value of angle COE and you know that this is a complete angle, right? Complete angle माने 360 degree. पूरा 360 से अगर आप एंगल COE को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब भी आपको यही एंगल मिलेगा, है ना? तो सबसे पहले हम एंगल COE फाइंड आउट करेंगे. COE फाइंड आउट करने के लिए यू कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. So this angle and this angle, together it makes 180 degree because it is a straight line, hai na? So we'll write angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree. Reason kya hai? Since AOB is a straight लाइन, ठीक है? अगेन AOC यू नो इट इज 40 डिग्री प्लस COE आपको नहीं पता है प्लस BOE आपका फिर से 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सॉल्व कर लेते हैं, हमें कितना आएगा? COE इज इक्वल टू 40 प्लस 30 70. 70 जब यहां पे आएगा तो क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री. That's your COE. अब हम find out करेंगे reflex. So now you have the answer. Therefore, reflex angle COE is equal to, तो total कितना था? 360 degree minus this. That is 360 degree minus angle COE. That is equal to 360 degree minus 110 degree and then you have your answer 250 degree. So children, using any of the methods you can find the reflex, whichever you feel easy that you can opt. Now children, in mathematics there are many methods to find your solutions. ठीक है? You use the method which you feel is the best, but remember the solution, the final answer of all the methods should always be same and the steps that you are using that should always be correct. ठीक है बच्चों? चलिए अब हम next question की ओर बढ़ते हैं. Now this is your question number 2 children. In the figure, lines XY and MN intersect at O. If angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 is to 3, find C. आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं. यदि एंगल POY is equal to 90 degree और A is to B is equal to 2 is to 3 है, तो C ज्ञात कीजिए. Fine children, अब देखिए यहाँ पर, this is your given. XY and MN intersect at O. XY and MN is intersecting at O. Second क्या दिया है? Angle POY is equal to 90 degree. POY is equal to 90 degree. है ना? This is your 90 degree symbol. ठीक है. Next is A is to B is equal to 2 is to 3. And the example I have already taught you one sum related to ratio. Whenever you have in ratio, how do you take it? Let A is equal to 2x and B is equal to 3x. है ना बच्चों? चलिए हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, द वैल्यू ऑफ C. तो हम पीछे से सोचना शुरू करेंगे. आप देख सकते हैं यहां पर C है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन.
ठीक है. नाउ यू नो स्ट्रेट लाइन मीन्स इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अगर आपको बी का वैल्यू मिल जाता है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट सी. अब बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जानते हैं देयर इज अ रिलेशन हियर, यानी कि ए और बी को हमें एक साथ यूज करना होगा, तब जाके आप जानते हैं दिस इज 90 डिग्री, सो दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. सो उस तरह जब आप सोचेंगे यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू स्टार्ट. फाइन बच्चों, नाउ यू कैन सी दैट OP is a ray standing on XY. So, since ray OP stands on line, कौन सा line है? XY. तो क्या होगा? We have angle POY plus angle, इस line को भूल जाइए, POX. Is equal to 180 degree. Q because it is a linear pair, yani ki rekhik yugma. Theek hai? Ab, what is your POY? That is equal to 90 degree. Plus, POX kya hai aapka? Yahan par A hai, yahan par B hai, yani ki A aur B dono. A plus B is equal to 180 degree. Which implies A plus B is equal to 180 degree. This 90 will come here. है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. अब व्हाट इज योर ए एंड व्हाट इज योर बी? योर ए इज 2x एंड योर बी इज 3x. सो यू विल हैव 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90. सो व्हाट विल यू गेट? x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 5. व्हेन यू कैंसिल इट यू आर गेटिंग 5 वन्स आर 5, 5 8s are 40, that is equal to 18 degree. आपको मिला x का वैल्यू. अब हमें फाइंड आउट करना है a और b का वैल्यू. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू आपका 2x है, यानी कि 2 इंटू 18 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 8s are 16, 1 दैट इज 36 डिग्री. एंड b इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3 into 18, that is equal to 54 degree. अब आपको मिल गया A और B. हमें मेनली क्या चाहिए था? आपको B चाहिए था, है ना? B आपको मिल चुका है. अब हम क्या करेंगे? ये स्ट्रेट लाइन लेंगे और ये किरण लेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? सिंस रे ओ एक्स स्टैंड्स ऑन लाइन एम एन, तो हमें क्या आएगा? वी हैव दिस टू एंगल्स एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स, एन ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. व्हाट इज योर एम ओ एक्स हियर? यहां पर है बी, ये है आपका सी, ये आपका 180 डिग्री. आपका बी का वैल्यू क्या था? 54 डिग्री. सो 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 2 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ सी. ठीक है, आपको आंसर आ गया. अब बच्चों ये जो हमने किया है, फ्रॉम यहां पर आपको मिला दैट ए प्लस बी, A plus B is equal to 90 degree. ठीक है? A plus B, यानी कि this angle is 90 degree. Now, from here, यहां से लेकर यहां तक के बजाय, there is another method to find the value of A and B. ठीक है? Now, here बच्चों, you know that A plus B is equal to 90 degree. Total is 90 degree. This angle full is 90 degree. ठीक है? So, actually 90 degree is divided into 5 parts. वो 5 parts कहां से आया? यहां बता देती हूं मैं. देखिए ये ऐसे है, ये यू है. This is your A and this is your B. Right? Now, what is A is to B is 2 is to 3. 2 plus 3, that is equal to 5, यानी कि total 5 parts. यानी ये जो total 90 degree है, this is divided into 5 parts, of which 2 part is given to A and 3 part is given to B. Fine,
अब हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? A इज इक्वल टू, A को कितना पार्ट है? टू पार्ट्स. आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? फाइव पार्ट्स. इनटू व्हाट इज द टोटल एंगल? दैट इज 90 डिग्री. नाउ डायरेक्टली यू विल गेट योर आंसर. दैट इज 36 डिग्री. यू गॉट द A वैल्यू डायरेक्टली. सिमिलरली B इज इक्वल टू थ्री पार्ट्स. थ्री आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? फाइव. Into 90 degree, that is again 54 degree. Did we get the same answer? तो अगर आप चाहें तो ये जो आपका method है उसे skip कर आप ये method भी use कर सकते हैं. इसी में मैं आपको और एक example बता देती हूँ. Suppose कीजिए ये आपका एक line है, यहाँ पर एक ray है. This is your A and this is your B. ठीक है. एंड A इज टू B इज इक्वल टू 5:7. फाइन. अब द एंगल, द टोटल एंगल इज 180 डिग्री. ये जो 180 डिग्री है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 5+7 दैट इज इक्वल टू 12 पार्ट्स. ओके. वो 12 पार्ट्स में से आपको A को मिल रहा है 5 पार्ट्स और आपका B को मिल रहा है 7 पार्ट्स. सो हाउ कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ A एंड B? योर A इज इक्वल टू, A is getting 5 parts. 5 out of 12 parts and the total angle here is 180 degree. Then when you cancel it, you will get your answer. 15. That is equal to 75 degree and then B will be 7/12 into 180 degree. Again here 15, that is equal to 105 degree. So children, there are two methods to find the value of A and B. And once you get A and B, with the help of B, you can get the value of C. I hope this question is clear, bachcho. Ab chalte hain next question ki or. Agla question dekhiye bachcho. In figure, angle PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to angle PRT. आकृति में यदि angle PQR is equal to angle PRQ है, तो साबित कीजिए कि angle PQS is equal to angle PRT. Now here बच्चों, देखिए, given is angle PQR is equal to PRQ, यानी कि PQR is equal to PRQ, this angle. ये दोनों angle आपस में equal है, ये दिया हुआ है. और आपको find out क्या करना है? आपको prove करना है PQS, this angle is equal to this angle. ठीक है? Now, सबसे पहले आप भूल जाए कि यहाँ पर A line है. This is your line and this is your ray. So, how will you write? Since ray QP stands on line, कौन से line पे खड़ा है? ST. तो हमें क्या मिलेगा? We have angle PQS, angle PQS plus angle PQT. Angle PQT is equal to 180 degree because they form a linear pair. ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देखिए, हमारा यहां पर PQS ठीक है हमारा क्वेश्चन में है, PQT नहीं है यहां पर. देखिए उसके जगह पर आपका PQT नहीं है लेकिन आपका PQR है. तो आपका क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही आपको एक्ट करना होगा. तो यानी आपको यहाँ PQT लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक PQR. तो हम लाइन भी लेंगे ST, क्योंकि इस लाइन का नाम आप SQ बोल सकते हैं, आप SR बोल सकते हैं और आप ST भी बोल सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू टेक इट एज SR. ठीक है. एंड हियर ऑल्सो इट विल बी PQR. फाइन बच्चों, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं. सिंस रे, कौन सा रे आप? RP stands on line, कौन सा लाइन पे खड़ा होगा? अब हमें क्या चाहिए? हमें ये एंगल लेना है. तब हमें यहां तक जाने की जरूरत है, हमें सिर्फ यहां तक लेंगे. यानी कि ये लाइन क्या है? QT या TQ, एनीथिंग. ओके, सो व्हाट विल वी हैव? वी हैव
एंगल पी आर टी पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन वही है, लीनियर पेयर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, this equation is equal to 180, this equation is also equal to 180. So can we compare them? Yes. So we'll get from equation 1 and equation 2. हम दोनों को equate करेंगे, that is angle PQS plus angle PQR is equal to आपका angle PRT plus angle PRQ. Fine बच्चों, अब हमें देखिए हमारा आंसर आधा तो यहाँ पे मिल चुका है. हमारा हमें क्या चाहिए, PQS यहाँ ऑलरेडी है, PRT यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों आपका एक्स्ट्रा है, यानी वो दोनों को कटना होगा तभी जाके आपको आंसर मिलेगा, है ना. तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, PQR is equal to PRQ. तो या तो आप PQR की जगह पर PRQ डालिए या फिर PRQ की जगह पर PQR डालिए, ठीक है. तो मैं PQR की जगह पर PRQ डालने जा रही हूँ. PQS plus यहां पर इसके जगह पर मैं डालूंगी PRQ is equal to PRT plus angle PRQ. अब आप दोनों तरफ कट कर सकते हैं, राइट. PRQ and PRQ gets cancelled and hence you have the answer. Angle PQS is equal to angle PRT. That's hence proved. And that's your answer. Fine, bachcho. Let's move on to the next question. Look at question number 4, children. In figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. बच्चों आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में करवा चुकी हूँ, ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. देख लीजिएगा, आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PU पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS अन्य किरण है. साबित कीजिए कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आई हैव रिटन द क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू अ स्मॉल पॉइंट इन दिस. यहां पर इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, इट इज गिवन पी ओ क्यू इज अ लाइन. रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? लंब के मतलब क्या होता है, मैं हमेशा आपको एक्शंस में बताती हूँ. परपेंडिकुलर माने दिस इज अ परपेंडिकुलर, राइट. सो उसका सिंबल भी वैसा ही हमें लिखना है. तो हम गिवन में यहाँ पर कैसे लिखेंगे, रे ओ आर, आपका जो ओ आर है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. That means देखिए ये जो लाइन ओ आर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, माने दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड एक्चुअली दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है बच्चों. एंड वॉट इज ओ एस, इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर. ओ एस जो है ये दोनों किरणों के बीच में और एक किरण है. आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है. दिस इज योर आंसर. अब इसका ऊपर वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, अब यहां पर अगर हाफ है तो ये 2 यहां पे होगा, तभी तो उसका नेक्स्ट स्टेप में 2 नीचे आ जाएगा, तब वो हाफ बन जाएगा, है ना. यानी कि आपको इससे पहला स्टेप में आपको चाहिए 2 एंगल आर ओ एस. 2 माने आपको 2 इक्वेशन आना चाहिए जिसमें आपको आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस इक्वल टू हो, तब आप उसे ऐड करेंगे, तब जाके आपको बनेगा 2 एंगल आर ओ एस, ठीक है. ओके, अब चलिए हम शुरू करते हैं. यू कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना. सो 1 एंगल 2 एंगल एंड 3 एंगल, तीनों को जोड़ने पर आपको क्या आना चाहिए, यू शुड गेट 180 डिग्री बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर. यहाँ पर angle POS plus angle ROS. देखिए यहां पर मैं SOR भी ले सकती हूं, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, just see what you require in your question, according to that you have to write. यहां पर हमें ROS चाहिए, इसलिए मैंने उसे ROS लिखा हुआ है, ठीक है. plus angle ROQ,
is equal to 180 degree. And what is the reason? Since POQ is a straight line. ठीक है, अब इसमें से हमें ROS को अलग करना है. POS हमें नहीं पता क्या है, ROS नहीं पता क्या है, but you know what is ROQ. ROQ is 90 degree. तो we'll write it as POS plus angle ROS plus 90 degree is equal to 180. So angle POS plus angle ROS is equal to, when plus 90 comes there, it becomes minus 90, and 180 minus 90 is 90 degree, right? अब इसे हम अकेला करेंगे. Angle ROS is equal to 90 degree. POS उस तरफ आ जाएगा, आपको आएगा minus angle POS. Okay? This is your equation number one, क्योंकि हमने ROS को अलग कर दिया. ठीक है, अब हम चलते हैं next की ओर. यहां पर देखिए बच्चों, लेट्स टेक QOS, क्योंकि हमें यहां पे QOS की जरूरत है, इसलिए हम QOS ले रहे हैं. नाउ एंगल QOS इज इक्वल टू, इस QOS को यहां पर दो एंगल है तो हमें उससे स्प्लिट कर सकते हैं, है ना. यू विल गेट ROS एंगल ROS प्लस कौन सा एंगल है आपका, ROQ एंगल आर ओ क्यू, दैट इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री, है ना. अब यहां पर भी हम आर ओ एस को अलग कर देंगे. तो अगर हम आर ओ एस को यहां पे छोड़ देते हैं, मैं यहां पे लेके आ जाती हूं, आर ओ एस इज इक्वल टू, तो 90 डिग्री जब यहां पे आ जाएगा, इट बिकम्स क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री. यहाँ पे हमें और एक इक्वेशन मिल गया जहां पर आर ओ एस अकेला हो गया. दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू. फिर आप सोचिए, ये आर ओ एस और वो आर ओ एस, दोनों आर ओ एस को हम जब एड करेंगे तब आपको मिलेगा टू एंगल आर ओ एस. सो यूल डू एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, फाइन. सो व्हाट आर यू गेटिंग, LHS में क्या है, ROS. यहां पर भी एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, 90 डिग्री. प्लस आपका ये, ठीक है, मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. अब देखिए यहां पर हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं. Plus 90 and minus 90 could be cancelled. This is equal to ROS plus ROS is 2 angle ROS equal to, क्योंकि यहां पर minus starting में आ रहा है तो हम इसे पहले लिख लेंगे, angle QOS minus angle POS implies angle ROS. ये 2 नीचे चला जाएगा, it becomes half angle QOS minus angle POS and that's your answer. Fine बच्चो, I hope ये काफी easy था. ठीक है, चलिए अब हम next question की ओर चलते हैं. Look at question number 6 children. यह दिया है कि angle XYZ is equal to 64 degree है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है. दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए. यदि किरण YQ एंगल ZY की P को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए. नाउ बच्चों देखिए, आई हैव रिटन द क्वेश्चन हियर वंस अगेन. इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. तो सबसे पहले, एंड इट्स गिवन की ड्रॉ अ फिगर फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन. तो पहले क्या है, XYZ इज इक्वल टू 64. यहां पर एक एंगल बनाइए, दिस एंगल इज 64 डिग्री. सो इट्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई, दिस इज योर जेड, राइट. और क्या है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. ये जो आपका एक्स वाई है, इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है कहां तक, पी तक. ये आपका पी है, ठीक है. और क्या बता रहे हैं, इफ रे वाई क्यू YQ bisects angle ZYP, ये जो आपका ZYP को एक रे
यहां पर है Q. Why Q? आपका इस एंगल को बाइसेक कर रहे हैं. What is the meaning of bisect? Dividing into two equal parts. ठीक है? तो this is one angle and this is one angle. तो हम मान लेते हैं कि ये आपका A है और ये आपका B है. ठीक है? Okay. This many things are given in the question. And what you have to find? Find is, you have to prove angle XY, not prove, sorry children. It would be to find. And if it is to find, then what are you supposed to write? You have to write solution, यानी कि हल. ठीक है? सबसे पहले आपको find out करना है x, y, q. x, y, q कहां पर है? x, y, q. तो x, y, q के लिए you need these two angles. Already 64 degrees here. यानी आपको क्या find out करना है? B. ठीक है? यहां पर मैंने यहां लिखा है कि p, y, q. P, y, q, A. ये आपका A है और आपका Q, Y, Z, ये आपका B है. यानी इसको हम U भी लिख सकते हैं. A is equal to B. Fine बच्चों, ठीक है. Let's start now. You can see that this is a straight line. If it is a straight line, sum of all the three angles will be 180 degree. So that's what we are going to start. Angle P, Y, Q plus angle Q, Y, Z plus angle XYZ is equal to 180 degree Q, since PX is a straight line. ठीक है? Now, what is your PYQ? It is A plus QYZ आपका B plus this is your 64 degree, that is equal to 180 degree. है ना? Now, that is and A plus B is equal to 180 degree minus 64, जो है इस तरफ आ जाएगा, 64 degree, that is equal to 180 minus 64 is, A plus B is equal to 116 degree, है ना? But we know that A and B are equal, तो या तो A के जगह पर B डालिए, या फिर B के जगह पर A डालिए, क्योंकि हमें starting में B की जरूरत है, तो हम दोनों में B डाल देते हैं, तो here we'll have, B plus B is equal to 116. Uska reason kya hai? Since A is equal to B, right? So 2B is equal to 116 degree. B is equal to 116 by 2. That is equal to what? 2 ones are 2. 2 fives are 10. 2 eights are 16. B is equal to 58 degree. Fine, bacho. Ab dekhiye, aapko sabse pehle kya find out karna hai? Angle XYQ. Angle XYQ is equal to XYQ. XYQ is equal to B plus 64 degree. और आपका B क्या है? 58. 58 plus 64. That is equal to 122 degree. That is your first part. Now the second part, what are they asking? Reflex angle QYP, आपको find out करना है, QYP कौन सा है? QYP, यानि कि आपका A, इसका reflex, reflex माने इस angle को छोड़कर बाकी सब, है ना? तो आप क्या करेंगे? आप पूरा 360 degree से, आप इस angle को minus कर देंगे, you will get the reflex, right? अब हमें पता है, angle QYP, यानी कि A, उसका value कितना है आपका? A और B का value same है, that is 58 degree, है ना? A भी 58 और B भी 58 है, right? Therefore, reflex angle QYP, क्या होगा? पूरा complete angle 360 degree minus angle QYP, that is 360 degree minus 58 degree, that is equal to 302 degree. I hope this question is clear, children. And with this question, I have completed your exercise 6.1, children. And the continuation will be done in the next class. Till then, stay safe.